हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आयतराज। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेन्यू के एक नए बेस मॉडल के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है कि वेन्यू में टोटल आपको तीन इंजन ऑप्शन आता है और तीनों का जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अलग अलग है। जिस तरह 1.2 लीटर वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसमें आपको एस वेरिएंट, ई वेरिएंट इसका भी ऑप्शन है, मगर टर्बो इंजन में क्या था कि एस ऑप्शनल से ही स्टार्टिंग होता था, जहाँ पे आपको प्रोजेक्टर, हेडलाइट, रियर कैमरा, सारा फीचर ऑलमोस्ट वहाँ पे मिल जाता था, वैल्यू फॉर मनी हो जाता था। मगर अब उसके नीचे एक और वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है, एस एग्जीक्यूटिव, जो कि एस ऑप्शनल से नीचे का एक नया बेस मॉडल है टर्बो इंजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर आपको मिल जाता है अगर हम लोग इसको 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसके एस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं, उसके मुकाबले दो तीन फीचर इसमें और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइसिंग जान लेते हैं। 10 लाख रुपया एक शोरूम कीमत है। वहीं अगर ऑन रोड का बात करें सो 11,60,000 रुपये के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है मुजफ्फरपुर बिहार में। शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करके आप अपना डिटेल्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो आप इसका लुक देखो। फ्रंट में आओगे तो अपने पास डार्क क्रोम फिनिश के अंदर ग्रिल मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ग्रिल। साथ ही साथ जो अपना इंडिकेटर है वो हैलोजन के अंदर आता है, जैसा कि हम लोग को पता है। नीचे की तरफ हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस आपको हेडलाइट मिल जाता है। नीचे की तरफ स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर का आता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है लुक। तो ये इसका हो गया ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन। साइड से बात करोगे तो साइड से जो लंबाई है ना वो भी काफ़ी अच्छा, कितना 3995 mm का आपको लेंथ मिल जाता है, ऑलमोस्ट 4 मीटर का लेंथ है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 195 mm का मिलता है, बहुत अच्छे भाई, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आते हैं इसके टायर प्रोफाइल में। तो सबसे पहले तो ये जो स्टाइल व्हील है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। प्रोफाइल कितना है अपने पास? ओ भाई साहब, पूरा एकदम क्रेटा वाला प्रोफाइल है। 215/60/16 inch का अपने पास यहाँ पे स्टाइल व्हील देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इंडिकेटर यहाँ पे साइड फेंडर में आपको मिलता है। बॉडी कलर ORVM है, बॉडी कलर ही डोर हैंडल आपको मिल जाता है। बाकी बी पिलर अपना ब्लैक आउट, रूफ रेल आपको मिल जाता है, साफ फिन एंटीना है। आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। और हाँ, पीछे वाला जो टायर है ये आपको ड्रम ब्रेक सजाता है, फ्रंट वाला टायर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। तो ये है कुछ इसका रियर प्रोफाइल, बिल्कुल आपको वही जो एस वेरिएंट है 1.2 लीटर वाला उसी के टाइप का आपको ये पीछे से लगा, बस यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का बैजिंग और टर्बो का बैजिंग आपको मिल जाता है। एक चीज़ गौर करने वाला क्या है कि डीफॉगर के साथ साथ आपको रियर वाइपर भी मिल रहा है, जो कि एस वेरिएंट में नहीं आता है। डीफॉगर आपको आ जाता है, वाइपर नहीं आता है, सो एक बात का है। बाकी यहाँ पर अपने पास हैलोजन ब्रेक लाइट है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे इंडिकेटर है, और नीचे में रिवर्स गियर लाइट और दो रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर प्रोफाइल, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार, कहीं से कोई कमी नहीं है इसमें। चलो ये हो गया, अब थोड़ा इसका बूट खोल लेते हैं और क्या स्पेस आपको कैसा मिलता है उसके ऊपर बात करें। कैमरा वगैरह इसमें आपको रियर में नहीं आता है, एक चीज़ नोटिस करने वाला है। सो कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट, 350 लीटर के कैपेसिटी के साथ आता है और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है यार बूट में, तो आपको सामान वगैरह रखने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। बूट लैंप आपको नहीं आता इस वाले वेरिएंट में, सो ये एक चीज़ गौर करने वाला है। अगर स्पेयर व्हील का बात करें सो वो कितना है, एक प्रोफाइल छोटा है, कितना 195/65/15 inch का आपको स्टील व्हील मिल रहा है अपना स्पेयर में। बाकी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ इसमें फीचर और मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग रियर पैसेंजर साइड डोर में जाएंगे। चलो ये बात हो गया। अब एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना भूल गया, वो है इसका की। देख लो, फ्लिप की आता है, एक अपना नॉर्मल की है और एक अपना फ्लिप की, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है। सो सेंट्रल लॉकिंग तो आपको बेसिक है, वो तो आता ही है। चलो कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डोर, ड्यूअल टोन के अंदर है, हल्का सा क्रीम कलर है और अपना ब्लैक कलर है। देखोगे यहाँ पे ट्विटर आपको मिल जाता है, तो टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का आपका ऑप्शन है। आर्कमीज का स्पीकर है, काफ़ी प्रीमियम साउंड है यार, उसमें आपको कोई शक नहीं है। चारों पावर विंडो, जिसमें से अपना ड्राइवर साइड वाला ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है। चलो ये हो गया। एक चीज़ कमी क्या है कि आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलता है, ये चीज़ मिसिंग है। बाकी रिक्लाइनिंग सीट है अपना, आगे पीछे तो आप मैनुअली कर ही सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप गौर कर लेना, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट देख सकते हो एस ऑप्शनल। चलो बैठते हैं कार के अंदर और मैं आपको इसका कुछ फीचर वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो फीचर बताने के लिए मुझे कार को करना पड़ेगा स्टार्ट, तो यहाँ से अपन कार को पहले सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चलो कार अपना हो गया स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको फुली डिजिटल आता है, देख सकते हो आप। यही जो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक्सटर में भी आता है और अपना वरना में भी, क्रेटा में भी, अगर नीचे का मॉडल लेते हो तो यही आता है। क्रूज़ कंट्रोल है, मेन चीज़ ये है, क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है बिल्कुल बेस मॉडल में, ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी MID का कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा फीचर आप एसेस कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको बिल्कुल बेस मॉडल से मिल जाता है। ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि कंपनी सोचती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल जाता है, वाइपर कंट्रोल यहाँ पे, बाकी वॉइस कमांड आपको मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा फीचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। 8 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलता है, जिससे आप अपना इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। और उससे भी बड़ा बात क्या है कि आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है वायरलेस, जो कि बड़ा बड़ा कंपनी का कार में आपको टॉप मॉडल में भी नहीं आता। एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मैनुअल आपका सारा बटन है, एसी आपको मैनुअली मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ आएंगे तो अपने पास 12 वोल्ट का सॉकेट या यूएसबी केबल और टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। 6 गियर है तो आपको वो भी आपको फील भी अच्छा आएगा। साथ ही साथ अपने पास यहाँ पे आर्मरेस्ट है, मैनुअल हैंड ब्रेक और थोड़ा सा स्पेस आर्मरेस्ट के अंदर आपको मिलता है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है आपको इसका इंटीरियर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। डैशबोर्ड की तरफ देखेंगे तो अपने पास कूल ग्लव बॉक्स शायद नहीं आता, हाँ कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन नहीं है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है आपको, एक बार चेक कर लो आखिरी बार। चलो कुछ ये सारा कुछ हो गया। और हाँ, स्टेयरिंग एडजस्टेबल आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से करते हैं कार को बंद। और जो मेरा ड्राइविंग पोजीशन है ना, वो अभी मैं परफेक्टली बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ से कंफर्टेबली भी ड्राइव कर सकता हूँ। अब हम लोग चलते हैं इसके रियर साइड डोर में, वहाँ बैठ के देखते हैं कि अपने पास लेग रूम कैसा है, हेड रूम कैसा है और पीछे का स्पेस कैसा है। सबसे पहले जो अपना डोर है वो वही बेसिक ड्यूअल टोन के अंदर आता है, पावर विंडो है, आर्कमिस का स्पीकर और ये अपना ये बात हो गया। चलो अंदर बैठते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा है, थोड़ा सा हाइट कार का है अच्छा, तो ये बात हो गया। बाकी अपने पास देखो लेग रूम मेरे पास काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे थाई सपोर्ट भी मेरे पास बहुत तगड़ा है, ठीक है। एसी आपको यहाँ मिल जाता है, 2 टाइप सी पोर्ट चार्जर है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बहुत अच्छी बात। बाकी थर्ड पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जाता है। एक अच्छी बात है, आर्मरेस्ट नहीं है, सो वो एक बात है, आर्मरेस्ट आपको नहीं आ रहा इस वाले वेरियंट में। चलो अब चलते हैं कार के बाहर। और हाँ, एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी नहीं आ रहा। चलो अब जो अगर इंजन का बात करें तो भाई 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल आपको मिलता है, जिसके 118 bhp का पावर निकालता है, 6000 rpm पे और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है 1500 से 4000 rpm पे। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। और हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ये आपको माइलेज भी 1 से 2 का ज़्यादा निकालता है। बाकी ओवरऑल ये वेन्यू एस एग्जीक्यूटिव टर्बो इंजन के अंदर एक नया बेस मॉडल है। तो कैसा लगा आपको ये न्यू वाला वेरिएंट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।